फिर से स्वागत करते हैं अपने डाइट प्रगति के यूट्यूब चैनल पर। इस समय हम लोग कोशिश कर रहे हैं एनएमएमएस और ओलंपियाड के आने वाली परीक्षाओं के लिए बच्चों और शिक्षकों के लिए कुछ मटेरियल देने का। तो आज बारी है एक ऐसी पैटर्न की जिसको सामान्य रूप से हम जब इस चीजों को पढ़ाते हैं तो इग्नोर कर देते हैं, जबकि पैटर्न या अनुक्रम गणित में, खासतौर से पहाड़ों में, घटना में, गुणन में, भाग में, एक बहुत ऐसी चीज है कि जिसे आप यदि पकड़ना सीख जाए तो गणित बहुत सरल लगने लगती है। जैसे आपको ध्यान होगा कि हम जब पहाड़े याद कराते हैं तो केवल याद करा के छोड़ देते हैं, कभी उस चीजों के सीक्वेंस में या पैटर्न पे नहीं। पर यदि पैटर्न में चले जाए तो वही पहाड़ा बच्चा खुद बनाने लगेगा, और ये सीखने का सिद्धांत है कि जो चीज बच्चा स्वयं बनाता है या करता है वो उसको उम्र भर याद रहती है। तो चले देखते हैं कि पैटर्न पकड़ते कैसे हैं। मैंने कुछ संख्याओं के अनुक्रम यहाँ लिखे हुए हैं, ये विशेष संख्याएं हैं। हो सकता हो कि हमारे कुछ विद्यार्थी या आप में से कुछ लोग इसको समझ पा रहे हो कि ये क्या है, पर मैं पहले उसकी बात नहीं करूंगा। मैं पहले पैटर्न की बात करूंगा और फिर आपको यहाँ पर वापस ले आऊंगा, तो देखिए कितनी सरलता से आप उसको समझ पाएंगे। इन संख्याओं को जो यहाँ पर लिखी हुई है, तो पहले अनुक्रम में जब आप देखिए तो इकाई की संख्याओं के यदि जाए सभी पांचों में, तो ये 9 से प्रारंभ है। तो 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। दूसरे वाले में आए तो भी 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। सभी के इकाइयों में आप देखिए तो सब में आपको यही मिलेगा कि ये 9 से प्रारंभ हो रही है और क्रमशः घटते हुए शून्य तक। इसी तरह इकाई को छोड़ के यदि इसके अनुक्रम की बात करें तो पहले वाले में देखेंगे तो ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये क्रमशः बढ़ती है। ये शून्य यहाँ शामिल मैंने किया है, पर शून्य इस तरफ होने के कारण आप सब जानते हैं संख्या के मान में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब दूसरे वाले में देखें, इकाई वाले पैटर्न पर आइए तो 1, 3 पैटर्न पकड़ेंगे, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, हर एक संख्या में +2 है। यहाँ थर्ड वाले में देखिए, इकाई को छोड़कर मैं बात कर रहा हूं, 2, 5, 8 पैटर्न पकड़िएगा, 11, 17, 20, 23, 26, 29। यदि ध्यान दिया हो आपने तो सभी में ये +3 होता है। अब जरा इनको अपने आप देखेंगे तो इसमें +4 है और इसमें आ रहा है +5। यदि पैटर्न को आप पकड़ लें तो अब मैं आपको बताता हूं कि ये जिन संख्याओं में इकाई में 9 होता है ये उनके पहाड़े। ये 9 का पहाड़ा है, ये 19 का है, ये 29 का है, ये 39 का है और ये 49 का है। यदि दोनों अनुक्रम आपको पकड़ में आ गए हो, जो अपर साइड में है और जो इकाई को छोड़कर संख्या में जो अनुक्रम था, यदि पकड़ में आ गया हो तो बड़ा सीधा है कि आगे बढ़ने पर एक संख्या प्लस होती जाएगी और इकाई में 9 से शुरू होगा और वो क्रमशः घटता हुआ कहां तक आएगा, 0 पर। तो बहुत आसानी से अब आप 59 का पहाड़ा बना सकते हैं, कोई याद करने की जरूरत नहीं है। +5 तक ये सीक्वेंस में आया था, इसका 100% हो गया कि यहां आएगा +6। इकाई इनकी फिक्स है, आप इकाई को छोड़कर संख्या पकड़िए और 6 जोड़ते जाइए, मीन्स ये 5 हो चुका, नेक्स्ट में आएगा 11, नेक्स्ट में आएगा 17, नेक्स्ट में आएगा 17, 6, 23, 23, 6, 29, 29, 6, 35, 35, 6, 41, 41, 6, 47, 47, 6, 53 और 53, 6, 59। ये फिक्स था कि इसमें 9 से ही प्रारंभ होगा, क्रमशः घटेगा, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0।
59 का पहाड़ा। नेक्स्ट में जाना हो तो +7, उसके आगे जाना हो तो +8। गणित की एक खूबसूरती है, अंकों से चलती है, संख्याओं से नहीं। तो ये लास्ट तक आप जाएंगे तो कहां तक जाना पड़ेगा, 9 तक। 10 कभी उसमें आएगा नहीं, मगर यदि और आगे आपको जाना हो तो भी उसको लेके जा सकते। तो कभी भी गणित की गणना, पहाड़ा, गिनती, भाग, गुणा, जोड़, जब ये करते हो आप, तो पैटर्न, ये टीचर का काम है कि वो पैटर्न पकड़ के बच्चों को उनके साथ जोड़े। यदि आप बच्चों को पैटर्न से जोड़ देंगे तो ये तो एक एग्जाम्पल है, इसमें मैंने क्या दो ही पैटर्न निकाले हैं। बच्चों को अंकों के साथ खेलने के लिए आप छोड़ दीजिए, आप देखेंगे कि वो हमसे भी ज़्यादा कई अनुक्रम निकाल के बता देंगे और गणित में उनकी रुचि बढ़ेगी और उनको सरल रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहिएगा हमारे साथ, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए। उद्देश्य हमारा ये है कि बच्चों को और टीचरों को नई टीचिंग टेक्निक, नए कंटेंट और गणित को सरल कराने के लिए हम ये सब कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।